एक महत्वपूर्ण विषय वर्ग चेतना क्या है? प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स का कहना है, समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। किसी भी देश का विकास के लिए पूंजीपति वर्ग का होना आवश्यक है। पूंजीपति वर्ग चाहता है कि अधिक से अधिक मुनाफा उसे प्राप्त हो। श्रमिक वर्ग उसके अधीन कार्य करता है और अपने आजीविका को चलाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच संघर्ष होता है। श्रमिक वर्ग को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है और वह संघर्ष करता है। कार्ल मार्क्स का कहना है, मजदूरों एक हो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, और इस तरह से वर्ग संघर्ष चलता है। श्रमिकों को एहसास होता है कि संघर्ष करके उसे उसके हक को प्राप्ति होगी। वह हड़ताल करता है और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जिसे उसे अपना हक मिलता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि फिर दोनों के बीच समझौता होता है। इसे ही वर्ग चेतना कहा जाता है। धन्यवाद।